नमस्कार। क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फ्रिज का कवर बनाना बताऊंगी। मैंने इसका टॉप कवर शेयर किया है और इस बार मैं फुल कवर बनाना शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसका मेजरिंग कर लेंगे। इसको मैंने यहाँ से और पूरा यहाँ तक एक साइड दे दिया है, तो ये हो गया 107 इंच। और ये डोर का मैं अलग से करूंगी। डोर की लंबाई हो गई 45 इंच। टॉप की चौड़ाई 19 इंच है, तो इस तरफ और इस तरफ इसकी भी चौड़ाई 19 इंच रहेगी। इसको हम यहां से नाप, ये हो गया 25 इंच। इन सभी नाप को हम पहले नोट कर लेंगे ताकि हम कटिंग भी इसी हिसाब से करें और भूले ना। और फ्रिज की बैक साइड में हम कोई कवर नहीं बनाएंगे क्योंकि वहां जाल लगा रहता है और इलेक्ट्रिक के बहुत सामान रहते हैं, तो वहां कवर करना कोई जरूरी नहीं है। बस हम तीन तरफ से फ्रिज का कवर बनाएंगे और यही जरूरी है। फ्रिज का कवर हम जब भी बनाएं तो हम थोड़ा सा मोटा कपड़ा लें, जैसे पर्दे का होता है या सोफे कवर का होता है इस तरह का, और या तो फिर जहां सोफे वगैरह मिलते हैं वहां रेजिन का कपड़ा मिल जाता है तो उसका भी फ्रिज कवर बहुत अच्छा बनता है। फिलहाल मैं एक मोटे कपड़े से ही बनाना बता रही हूँ, तो चलिए हम कटिंग करते हैं। पहले ये फ्रिज के कवर बनाने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है ये रजाई का कवर है। ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है, मोटा है और कलर भी अच्छा है। इस रजाई की कॉटन खराब हो गई थी तो मैंने उस कॉटन को निकालकर दूसरे कवर बनाकर उसमें भरवा दिया है, तो ये कवर फ्री हो गया है। इस कवर का फैब्रिक काफ़ी मोटा है, इसका फैब्रिक वेलवेट जैसा है इसलिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। इसके बैक साइड में जो लाइनिंग लगा है ना, इसको भी मैं नहीं निकालूंगी, कटिंग साथ ही साथ करके इसको भी मैं सिलाई में ले लूंगी, तो इससे ये और भी मजबूत हो जाएगा। तो कवर बनाने के लिए हमने जो मेजरमेंट लिया है उसी मेजरमेंट से हम इसकी लंबाई चौड़ाई लेकर हम इस कपड़े को कट करेंगे। पहले हम चौड़ाई तय करते हैं, तो चौड़ाई हमें 19 इंच लेना है पर हम यहाँ 20 इंच लेंगे क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 20 इंच पर हमने मार्क कर लिया। और अब हम लंबाई लेते हैं। लंबाई हमें जितनी भी रखनी है, हम 1 इंच लंबाई भी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि सिलाई में फोल्डिंग में चला जाता है, तो हमने लंबाई 45 इंच ले लिया। 45 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। हमने जो मार्क किया है उससे हम सीधी सी लाइन बना लेंगे और अब हमने जो मार्क किया है उस लाइन पर से इसको सीधा सा कट कर लेंगे। अब हमने एक पीस तो काट ली, अब इतनी ही बड़ी हमें एक पीस और काटनी है, तो इस कपड़े को हम दूसरे कपड़े पर रखकर एक पीस और काट लेते हैं। और इन दोनों पीसेस को हम जब ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से रखकर सीधा ज्वाइंट कर देंगे, तो ये हमारा साइड का पूरा कवर रेडी हो जाएगा। एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक ये फ्रिज का कवर रेडी हो गया। अब हम डोर के लिए कपड़ा कट कर रहे हैं, तो डोर की हमने पहले चौड़ाई फिक्स कर ली क्योंकि डोर की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। डोर की चौड़ाई हमने 25 इंच ली और लंबाई 45 इंच, और सीधी सी लाइन बनाकर हम कट कर ले रहे हैं, तो हमारा ये डोर वाला हिस्सा भी कट हो गया और दोनों साइड का और टॉप का वो भी हमारा कट हो गया। हम फ्रिज कवर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें पाइपिंग लगा देंगे। ये पीले कलर की देखिए मेरे पास पट्टी है, तो इस पट्टी से ही मैं इसके चारों तरफ किनारों पर ऐसे चौड़ी सी पाइपिंग लगा दूंगी। इसको इस तरह से रख कर सिलाई करके इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी और फिर सिलाई लगा दूंगी, तो चौड़ी सी पट्टी लग जाएगी, वो काफ़ी सुंदर लगेगी। देखिए इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ, पहले इसे रख कर ऐसे सीधी सिलाई कर लिया। सीधी सिलाई जब हम कर लेंगे तो इसको पलट कर हम फिर सिलाई कर देंगे।
तो चौड़ी सी खूबसूरत सी पट्टी बन जाएगी, जो कि रेड कलर पर पीले कलर की पाइपिंग कवर की सुंदरता को बढ़ा रही है। ये चौड़ी सी पाइपिंग हमने लगा ली है और अब हम इसको लगा कर देखते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कवर हो गया और अब ये हमने डोर के लिए बनाया है। इस हिस्से में हमने पाइपिंग नहीं लगाया है, ये हिस्सा और इस हिस्से में पाइपिंग नहीं लगाया है, तो इन दोनों को हम यहां से यहां तक पूरा ज्वाइंट कर देंगे। इसे ज्वाइंट करने के बाद ऐसी ही पीली पाइपिंग चौड़ी सी हम यहां भी लगा देंगे। फिर इसके बाद हम यहां पर डोरी या इलास्टिक अंदर से बाहर निकले लगाएंगे। तो पहले हम इसको यहां से ज्वाइंट कर देते हैं, ऐसी ही पीली चौड़ी सी पाइपिंग लगा देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेते हैं और चौड़ी सी पीली पट्टी लगा देते हैं। हमने यहाँ दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है और अब पीली पाइपिंग हम लगा दे रहे हैं। यहाँ से ज्वाइंट कर दिया है और ये पाइपिंग लग गई और इसमें बांधने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये डोरी यहाँ टक कर दी है और एक डोरी इसके अंदर यहाँ टक कर दी है, ये बांधने के लिए हो जाएगा। और इसकी जगह पर यदि हम इलास्टिक लगा देना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास अभी इलास्टिक नहीं थी तो मैंने तत्काल यही लगा दिया है और इससे भी काफी मजबूती रहेगी और अच्छे से बंध जाएगा। आप चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हैं और चाहे तो डोरी, ये ऑप्शनल है। तो इसे हम इस तरह से लाकर यहाँ पर बांध, अब इसमें जो ये हैंडल है इसको भी हम पकड़ने के लिए निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर चौक से निशान लगा लेंगे। यहीं पर हैंडल है, इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। इसको हमें बहुत हिसाब से कट करना होगा, क्योंकि यदि होल बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत सेटिंग से हमें इसको रखना है। तो पहले हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसको लगाने के बाद ही अगर कट करेंगे तभी अच्छा सा ये कट होगा। और नीचे की तरफ यहाँ से आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, ऊपर भी आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ हम कट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हिस्सा हमने आधा आधा इंच कट कर दिया है ना, इसे फोल्ड करके सिलाई कर देंगे तो इससे फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये हैंडल अच्छी तरह से ऊपर की तरफ निकल आएगा। ये देखिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे और ऊपर की तरफ भी आधा इंच ऊपर की तरफ भी हम फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा इसे भी हम कट कर देते हैं। इसे आप चाहें तो जैसे हम लोग काज बटन लगाते हैं ना, तो काज करते हैं उसी तरह से इसको काज भी कर सकते हैं, पर मैं आधा इंच कट करके ऊपर की तरफ भी फोल्ड कर दूंगी और नीचे की तरफ भी आधा इंच फोल्ड कर दूंगी। तो चारों तरफ से आधा इंच करके फोल्ड हो जाएगा ना, तो बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी और हैंडल हमारा निकल आएगा। यदि इस तरह से कट करने में प्रॉब्लम हो तो हम इंच टेप से निशान लगाकर आधा इंच कट कर लें तब फोल्ड। और फिर हैंडल हम चाहें तो बनाकर लगा दें या मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे हैंडल मिलते हैं वो लगा दें, पर हमने जब इसका कवर बनाया है तो हम हैंडल बनाएंगे। इसी की साइज से येलो या रेड कपड़ा लेकर कोई भी थोड़ी सी डिजाइन देकर हम हैंडल बनाएंगे। इसको हम गोलाई से इस तरह से नापेंगे और यहाँ से यहाँ तो हमारा परफेक्ट हैंडल बन जाए। हमने जो हैंडल का साइज लिया था उसी साइज से एक बकरम कट कर लिया, उस बकरम के ऊपर ये
येलो वाला कपड़ा चढ़ाकर इस तरह से सिल दिया चारों तरफ से, और जो चिपकाने वाला आता है बंद करने के लिए उसको मैंने छोटा छोटा कट करके एक यहाँ और यहाँ लगा दिया और एक एक यहाँ लगा दिया। तो इस तरह से जब हम चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा, तो हैंडल में आसानी से लग जाएगा। सिंपल सा है बिल्कुल। मैंने बकरम इसलिए लगा दिया अंदर क्योंकि बकरम से थोड़ा टाइट रहेगा तो अच्छा हैंडल बन जाता है, लेकिन ये सिंपल सा लग रहा है थोड़ा सा ना, तो इसमें हम कोई विशेष डिजाइन कर सकते हैं, जरी वगैरह लगा सकते हैं, गोटा लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक फ्लावर बना के लगा देती हूँ। ये जो कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है इसी को छोटा सा मैं गोल करके काट लेती हूँ। पहले हम गोल सा सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल को कैंची से कट कर देते हैं। देखिए बिल्कुल गोलाई से कट कर देना है इसे। फ्लावर कई तरह से बना सकते हैं पर ये बहुत आसान तरीका है, तो इसे हमें फटाफट बना दे रही हूँ। इसके चारों तरफ से बड़ी बड़ी बखिया हम सुई धागे से कर ले रहे हैं और फिर उसको करने के बाद हम खींच देंगे तो एक छोटा सा सिंपल सा फ्लावर नुमा बन जाएगा। रेड फ्लावर को हम यहाँ रख देते हैं और एक रेड कलर की ही पतली सी स्ट्रिप बना लेते हैं। बिल्कुल डोरी जैसी पतली सी स्ट्रिप हमें बना लेना है। हमने स्ट्रिप बना ली है, अब हम पीले कपड़े में से छोटी छोटी टोपी जैसा कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसे स्ट्रिप में दोनों किनारों पर इस तरह से लगाकर सिलाई कर देंगे तो ये लटकन जैसा दिखाई पड़ेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने स्ट्रिप भी बना ली है और छोटा सा फ्लावर भी बना लिया है। अब एक छोटा सा सीक्वेंस इस फ्लावर में हम टांग दे रहे हैं और इसके बाद ये जो फ्रिज के लिए हमने हैंडल बनाया है इस हैंडल में इस फ्लावर को टांग देंगे। देखिए इस तरह से, इसमें हम तितली बनाकर लगा सकते हैं या कोई सीक्वेंस लगा सकते हैं। देखिए ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। हम फ्रिज के कवर को अब लगा देते हैं। ये हमारा कवर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक डोरी हम यहाँ से निकालेंगे और दूसरी डोरी ये यहाँ। इन डोरियों को हम आपस में बांध देंगे तो इससे हमारा ये डोर वाला कवर टिका रहेगा और बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। अब हम हैंडल कवर भी लगा देते हैं। ये देखिए कितना सिंपल सा प्यारा सा हैंडल कवर भी बनकर रेडी है। कितना अच्छा लग रहा है। इससे हम पकड़कर आसानी से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इस तरह से आप भी यदि जरूरत है तो बनाइए, और यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपके अपनों को, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। और यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, नए व्यूअर हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूजफुल वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।